घर बनाओ तो ऐसे ही बनाओ यार, लंबा चौड़ा हिसाब में। मैं अभी डॉक्टर के केबिन में जाने वाला हूँ। साल में बना है और लागत उसमें 1,40,00,000 रुपया आया है। दोस्तों इतने ऊपर आने के बाद देखो नीचे काम चल रहे, कितने छोटे लग रहे हैं उन लोग। सामने जो देख रहे हैं यही घर है या साउंड दोस्तों, तो ये इतना बड़े जगह में बना है, जमीन ही कम से कम 45 लाख पड़ा है बता रहे थे जी। ये आप देख सकते हैं, चलो अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आप सबको। ये देख सकते हैं ये छोटा गेट है और ये बगल में बड़ा गेट है कार के लिए, देख रहे हो। चलो अंदर चलते हैं आप फाइनल। पार्किंग स्पेस उधर भी, चलिए उधर देख दिखाते हैं क्या है। ये बाहर का एक बाथरूम सीधे में उधर। चलिए दोस्तों मैं पहले ऊपर का दिखा देता हूँ क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है शूट करने में, तो चलिए ऊपर देखते हैं क्योंकि ऊपर का दिखाने में ही कम से कम मेरे को 20 मिनट लग जाएंगे कि घूमते ही बहुत टाइम लगेगा। अच्छा खासा लंबा घर है ये, यहाँ किराए से रहते हैं सर। ये एक हॉल है, लंबा स्पेस है, यहाँ पे ट्यूशंस लगा सकते हैं अपन। सेकेंड फ्लोर है, एक बाहर का बेसिन, उधर भी लंबा स्पेस, ये नीचे से ऐसे कुछ दिखता है। यहाँ किराए से रहते हैं सब, फर्स्ट किराया यहाँ, सेकेंड उन लोग का उधर है। और ये है टावर टेरेस, चलिए देखते हैं। कुछ यहाँ का नज़ारा ऐसे है, यार यहाँ तो आराम से शाम को साइकिल बाईसाइकिल चला सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है। ये उन लोग का उधर से आने का रास्ता है टावर, ये नीचे से कुछ ऐसे पीछे का है ये। ये छतरी लगी है ये, और एक यहाँ टंकी लगी है और एक वहाँ टंकी लगी है, 1,000-1,000 लीटर का। तो दोस्तों किरायादार वाले लोग इधर से गए, अंदर से लगा दिए हैं, तो चलो उधर से घूम के चलते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए कंटिन्यू बने रहे आप, पीछे से चलते हैं उधर दिखाते हैं घर का नज़ारा और कितना बड़ा है, अभी तो एक हिस्सा ही दिखे। तो यहाँ से दिखाऊँ तो उस लास्ट किनारे से चालू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, देख सकते हैं आप ये पीछे से कुछ ऐसा। इधर भी लिखा है यस भवन, भांजे का नाम है ये। कुछ ऐसे नज़ारा इधर का, पानी का रूप प्रयोग करे, सही बात है भाई। ये एक किरायेदार का है, ये दूसरे किरायेदार का है, पूरे फूल है यहाँ। और ये है ऊपर चल जाने का, ऊपर भी भरे हैं किराए में। ये बोर है कनेक्शन यहाँ का, चलिए ऊपर देखते हैं।
यहाँ सेकेंड फ्लोर, ये यहाँ भी फर्स्ट और ये सेकंड फूल है। अभी कहीं गए हुए हैं, सजा के रखे हैं सब अपने अपने। भाई और ये सेकंड यहाँ से आने का, चले दिखाई देता हूँ। वहाँ से आए थे थोड़ी देर पहले, अब यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हो आप। यहाँ की सारी कॉलोनी कुछ ऐसे दिखती है। आगे रोड है, हम लोग ऐसे घूम के ऐसे आए हैं। दोस्तों इतने ऊपर आने के बाद देखो नीचे काम चल रहा है, कितने छोटे लग रहे हैं उन लोग। यार हालत खराब हो गई यहाँ तक आने तक, पसीने आ गए पूरे। चलिए अब नीचे का देखते हैं दोस्तों, क्या हिसाब है नीचे का। चलिए नीचे पहुंच के दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो सामने देख सकते हो ये बैठक एरिया है, ये विंडो से बाहर का, और देसी खाट है ये जो हर घर में रहता है। ये पहला रूम है। अब सेकंड में चलते हैं, ये सेकंड में ये इस तरह से है। इसी वॉल पेंटिंग, दराज, ये हो गया अपना लेट बाथरूम। इंडियन सिस्टम लगा है इस वाले में अपने अपने चॉइस के हिसाब से। और ये है हॉल में टीवी लगा है, से किचन एरिया। ये स्टोर रूम, ये यहाँ से पूरा ऊपर जाता है। ये भांजे का टॉयस कार्स, इसका भी रिव्यू टॉयस चैनल में आता है मेरा, आप देख सकते हैं, लिंक डाल दूँगा। एक बेसिन, यह सेकंड का, ये दराज स्लाइड। तो भाई बहन को सबसे पहले ये सब देखते दिखा रहे हैं, अगर किसी के पास टाइम होगा तो मैं उनको भी वीडियो में डालूंगा इस चीज़ के लिए, और भी चलिए इसको देख सकते हैं। इतने सारे सर्टिफिकेशन जो कि लगाना है मैं अभी डॉक्टर के केबिन में जाने वाला हूँ।
आप लोग देखते रहिए। चलिए दिखाता हूँ आप लोग। तो डॉक्टर साहब, आपका ये यश भवन बनने में कितना समय लगा और कितना लागत आ गया उसमें? यश भवन बना है हमारा 1.5 साल में बना है और लागत उसमें 1,40,00,000 रुपया आया है। अच्छा, और कितने किरायेदार रहते हैं अभी? किरायेदार अभी 6 किरायेदार है, 7 ब्लॉक है उसमें। अच्छा, एक बड़ा ब्लॉक है। अच्छा, 7वें हम लोग रहते हैं और 6 किरायेदार हैं। तो गाइस, आप देखिए कैसे बना है यश भवन। घर बनाओ तो ऐसे ही बनाओ यार, लंबा चौड़ा हिसाब में। 6 किरायेदार आराम से रह सकते हैं, 6 किरायेदार का आराम से, उससे एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है हम लोग को। तो यही बोलना चाहूँगा कि घर बनाओ तो एक, अगर आप शहर में रहते हो तो शहर के हिसाब से किराएदार के लिए बना के रख दो, काम आएंगे ही आएंगे। तो बस यही बोलना चाहूँगा। बस वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसी वीडियो मेरी मिलती रहेंगी।